सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। आज से संडे और संडे को हमारा होता है फंडे। तो आज का जो है हमारा ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। और आज के ब्लॉग को पूरा देखिएगा, कुछ ना कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग करेंगे। ज़बरदस्त आज का जो है हमारा ब्लॉग रहने वाला है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों हो चुका है सुबह की शुरुआत और मम्मी भी जो है गार्डनिंग पर लग चुकी है। और जो है अभी मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है कि जो है जो कहते हैं बसंत का मौसम, बसंत पंचमी लोगों ने मना ली है, बसंत का मौसम चल रहा है। तो लगभग हर जगह जो है हरियाली हरियाली। ठीक है, आपको दिखा दूँ, मम्मी जो है सुबह सुबह अपने काम में लग चुकी है। तो मम्मी लोगों को हाई कर दीजिए। नहीं कर रही मम्मी हाई? हाय मम्मी लोगों का नहीं करना, हंस के करो और इधर देख के कर तो लो यार मम्मी। हेलो तो मम्मी ने हाय कर ही दिया है। मम्मी की गांठ गोभी वहाँ उस जगह पे लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं आगे को व्लॉग का कार्यक्रम। तो दोस्तों आज जो है हम YouTube के लिए एक रील बना रहे हैं। तो रील बनाने का भी जो है आपसे वीडियो शेयर करेंगे। देख सकते हो सर पे जो है टोपा बल लगा हुआ है, तो उसी की तैयारी है। रील बनाते हैं, जूते पहनते हैं और जूते पहनने के बाद जो है तैयारी करते हैं। आज एक छोटी सी रील बनानी है, वो भी डांस फॉर्म में। तो डांस फॉर्म में पहली बार जो है ऐसा कुछ हम जो है रिसर्च करेंगे, क्योंकि जो है अभी रील बनाना इम्पोर्टेंट हो गया। हमने इससे पहले मोटिवेशनल वाले जो है बनाए हैं रील, बट जो है उस पर कुछ खास रीच नहीं आ रही है। और म्यूज़िक वाले जो है ये रील्स है या शॉर्ट्स जिसे कहते हैं यूट्यूब में, उस पर काफ़ी अच्छी ये जो है रीच आ रही है। तो चलिए आज जो है एक पे जो है हम रिसर्च करते हैं। तो चलिए तो दोस्तों हो चुकी है तैयारी और चलते हैं छत पे। दो तीन जो है आज शॉर्ट बना लेते हैं। शॉर्ट बना कर जो है आपको अपने जो है ये वाला चैनल जो है इस पर जो है इस शॉर्ट को रिलीज़ करते हैं, और रिलीज़ करके जो है आपको दिखाएंगे कि कैसा जो है ये शॉर्ट होता है। तो लगे रहिए इस वीडियो पे वॉचिंग पे और आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमारे शॉर्ट्स की जो है तैयारी चल रही है। Myself wondering what had happened to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. तो दोस्तों हमारा जो पिछला व्लॉग था उसका कुछ भाग हमारा रह गया था, जो कि हमने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया नहीं था। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं उस वाले व्लॉग को। तो फिर से आ गए हम शोरूम पे और ये देखिए ये बड़ा जो है काफ़ी सारी बाइकें हैं। 160, ये सारी 160 है पल्सर है, NS 160, ये NS 200 ही आ गई। मतलब इसी कहते हैं जो अपाचे की लाइनअप पे ही है, मतलब ये हाँ।
और इधर 220p थी पिछली बार, 220p तो पिछली बार तो थी नहीं शायद, है ना? जी जी पिछली बार थी। और ये तो फिर वही है अपनी डोमिनार 400। यार 220 तो इससे जो है थोड़ा सा मतलब कम ही दिखाई पड़ती है ना। 220 है सर, वो 400 है। हाँ, और बाकी ये सारी बाइकें तो आपको पहले से दिखा रखी हैं। ये वाली बाइक भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, पर जो है लोकल के लिए ठीक है। अच्छा N160, अच्छा नया मॉडल है ये। क्या कॉस्ट है इसकी? इसकी 162 है सर। 162 है, वही मतलब 500 के आसपास ही पड़ती है। और ये? हाँ जी हाँ जी, ये इसमें 150 cc का वर्जन है, ये 160 है। थैंक यू। आपको स्कूटर नहीं आ रहा क्या? स्कूटर तो वो जो इलेक्ट्रिक वाला है बजाज का आ रखा है, उसका एक्चुअली क्या है, उसका अलग ही आउटलेट खुलता है, वो इनके साथ मिक्स नहीं हो सकता। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि रुड़की हरिद्वार में आपको देखने के लिए मिले, है ना? बजाज चेक जी, वो लगभग कितने का? 1.5 लाख का रिकल का हुआ था, 1 लाख प्लस का है जी। ये आपके बराबर में टीवीएस वाले हैं, उन्होंने जो अपना आईक्यू वाला काफ़ी अच्छा स्कूटर इनका, काफ़ी अच्छा स्कूटर है। मतलब उसका ये है सर कि वो जो है इनके साथ इन्होंने कंबाइन करके रखा हुआ है। हमारी कंपनी के नॉर्म्स ही है कि जो चेतक खुलेगा बजाज का उसका अलग आउटलेट होगा, वो इनके साथ मिक्स नहीं हो सकता। अच्छा, तो इन फ्यूचर आपको देखने के लिए मिल सकता है, अच्छा है वो। ये तो वही है 125 है। हाँ ये 125 है, ये भी 125 ही है। और ये कलर वाइट में वही वाला है जी, ये फुल ब्लैक है, ये रेड ब्लैक है यहाँ तक। फिर ये इसका वो अपर वर्जन है। हाँ ये इसका स्पीड सीट का टॉप वर्जन है, ये अपर वर्जन। हाँ ये अपर वर्जन सिंगल सीट में, ये भी बीच वाला है सिंगल सीट। ये कितने का पड़ रहा है? ये आपको पड़ता है मिनिमम ए समथिंग पड़ता है आपको 1,07,08 का ऐसे पड़ता है। तो इसमें से डबल सीट का ये है इसमें, पर मेरे को दिखाई नहीं पड़ रहा कुछ है जो है कि एक तो नीचे का दिख रहा है। इंजरी कवरिंग आती है आपका, थोड़ा ग्राफिक्स वगैरह में चेंज आते हैं, डिजाइन वगैरह, और इसमें कार्बन फाइबर वाला आपको पेंट मिलता है, ये वाला। अच्छा, कार्बन फाइबर का पेंट, थोड़ा सा ये है। फिर वो जो है ये वाला लेने में, डबल सीट लेने में फिर फायदा है, फिर क्योंकि जो है वन डबल सीट आ जाते हैं ना, उसमें भी कार्बन फाइबर है, सब कुछ मेरे को दिख ही रहा है, सब कुछ वही। हाँ जी, और फिर आपकी 150 है ये, 150। हाँ 150 ये वाली, इन पे भी जो है वही है जी। इसमें आपका डुअल ब्रेक है, सिंगल चार्ज, ये आपकी 160 cc है, 160। इसमें 220 भी आते हैं ना? 220 भी आते हैं। और फिर उसमें जो वाइजर वगैरह भी बड़े से होते होंगे इसके, वाइजर बड़ा आता है। ये बिकती पर कम होगी मेरे हिसाब से, बहुत 160 ज़्यादा बिकती है। हाँ 220 डिमांड के हिसाब से, 220 डिमांड के हिसाब से इसमें 160 सेगमेंट बहुत कम है। पर इसमें फिर वो मॉडिफिकेशन करते होंगे सर, मेरे सब स्लिप पे जो है अपने हिसाब से करते हैं सर। जैसे आपने यहाँ पे वाइजर लगवा दिया, पीछे आपने वो लगवा दिया, आपका जो है छोटा सा एक सीट कवर और होता है वो लगवा दिया, ऐसे ऐसे थोड़े से मॉडिफिकेशन हो जाते हैं इसमें। पर ये जो ये सिटी 110 ये क्या रेट पड़ रही है आपको? बाकी प्लेटिना, प्लेटिना आपकी जो है, आप उस प्लेटिना में आपको ये 100 cc में देखने के लिए मिलता है वेरिएंट, और एक ये जो है कंपनी ने किक स्टार्ट वाले वेरिएंट चालू कर दिया है। अच्छा, सिर्फ किक स्टार्ट है ये इसमें, और सबसे सस्ता है मात्र 75,000 रुपये, मात्र 75,000 सबसे सस्ती गाड़ी। ऐसा भी कंपनी में ना जो है कंपटीशन एक पड़ा ही है, जैसे होंडा वाले उनके भी सिटी साइन है शायद, वो भी शायद 75,000 के करीब करीब दे रहे हैं वो। पर उसका एवरेज क्या है पता नहीं, शायद वो मेरे हिसाब से 70 का बता रहे हैं, 70 का बता रहे हैं हम, इसका 75 का बताते हैं, देती उससे ऊपर ही। और आज भी कार्बोरेटर इंजन में आती है जी, विद आपका यहाँ पे सिंपल है, ये मैंने चला रखी, काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, ऐसे कुछ नहीं। LED DRL लाइट भी मिल जाती है देखने के लिए आपको। यार इसमें तो मैंने ऐसे देखा ये कुछ लोग तो यहाँ पे कवर वाले भी पता नहीं कहाँ से लेकर आ रहे हैं, कवर वाले भी लगवाते हैं, वो बाहर से लगा रखे सारे, वो भी प्लेट नाम है सारे बाहर से। एसेसरीज का ही पार्ट होता है ना आपका, हैंड कवर जो होता है, हैंड गार्ड कहते हैं उसको, तो वो लोग बाहर से लगवाते हैं वो भी प्लेट देना। मैं सोचा कंपनी दे रही है शायद, ऑफर कर रही है। देखिए मैंने यार ये गाड़ी जो है चलने में कैसी है, इसमें नीचे की तरफ उन्होंने काफी मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो है काफी हार्ड जो है ये सिचुएशन में चलाने के लिए बनाई गई है गाड़ी। जो गाड़ी है ना हाँ, पूरी लोहा है आपकी, लोहा आप देखोगे नीचे भी है ना, पूरी मेटल की कवरिंग है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है इतनी मजबूत गाड़ी है ये बहुत सस्ते दामों में, और आपका इसमें 70 का एवरेज देती है गाड़ी। दोनों तरफ आपको पांव रखने का जाल मिल जाता है, इधर आप देखेंगे लेफ्ट में भी राइट में भी, ये तो काफी जबरदस्त चीज है। तीन बंदे आराम से बैठ जाते हैं, तीनों की पांव रखने की जगह है,
और गाड़ी पूरी फ्लेक्सिबल है, मजबूत है, देखो पूरी है ना यार। ये चीज़ सबसे ज़बरदस्त है, ये इधर की तरफ भी और इस तरफ भी। गाड़ी इतनी मजबूत है कि कोई गाड़ी से टकरा जाए तो उसका कचुम्बर निकल जाएगा, इतनी पूरी लोहा है ये गाड़ी। ये कितने की पड़ रही है? वही 85 कंप्लीट है। 85 कंप्लीट है, बहुत सस्ते रेट से, बहुत ही सस्ते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो हम फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो देख रहे हैं आवाज़ कुछ जो है कंस्ट्रक्शन की काफ़ी सारी आ रही है। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। और अभी तक अगर हमने अपने वही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो।